और देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े लूट हुई है। ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की लूट हुई है, लाखों की ज्वेलरी लूट ले गए हैं बदमाश। और लूट के बाद में पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई, छानबीन में जुटी है। मौके पर पहुंची पुलिस। राजपुर रोड पर ज्वेलरी शोरूम में लूट हो गई है, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करोड़ों की ज्वेलरी थी जो कि लेकर फरार हो गए हैं बदमाश, और इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस छानबीन कर रही है और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जो सीसीटीवी कैमरास है जो आसपास लगे हुए थे उनको भी खंगाला जा रहा है। तो ज्वेलरी का शोरूम था जहां से करोड़ों की ज्वेलरी लेकर फरार हुए हैं बदमाश। और ज्यादा जानकारी के साथ में सतेंद्र जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सतेंद्र, दिन दहाड़े करोड़ों की लूट की खबर सामने आई है, किस तरह से बदमाशों ने इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया और पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल अमनदीप, मैं आपको बता दूं कि आज सवेरे ही करीब 11:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जब पांच जो हथियारबंद बदमाश पहले तो वो रेकी करने आए, रेकी करने से पहले ही उन्होंने सामान खरीदने की बात की और उसके बाद हथियारों के साथ जब शोरूम के अंदर पहुंचे और सभी जो कर्मचारी जो शोरूम के थे उनको पहले तो बंधक बनाया और सभी जितना भी सामान था यानी कि सोना चांदी हीरे जवाहरात जितने भी यहाँ इस शोरूम में थे मौजूद थे उन सब को अपने साथ लेके गए हैं। सूचना के बाद जब पुलिस पहुंची है तो ये सब छानबीन में यहाँ पे जुटी है। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सतेंद्र आपका। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।